कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ब्लॉग या वीडियो में जब SEO से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। कई बार आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, लेकिन आप एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता पाते हैं, राइट? एक परफेक्ट वर्ड में आज की वीडियो की कोई जगह नहीं है। ये टॉपिक एकदम बेकार है क्योंकि आप SEO हैं और आपका काम इतिहास को याद रखना नहीं है। लेकिन ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, ये दुनिया है पीतल दी, और यहाँ YouTube में काफ़ी सारी सोने दी बेबी डॉल्स हैं जो तमाम उलझलुल बातें फैलाती रहती हैं। कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के नाम पर दुकानें खोल के बैठे हैं जो ऑलमोस्ट इसी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम जिन एल्गोरिदम अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो काफ़ी सारी झूठी ट्रिक्स या टिप्स या मेथड्स से पर्दा हटाने का काम करेंगे, आपको लॉजिक के साथ समझाएंगे कि सही फैक्ट क्या है, सही तरीका क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net और आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही टॉप 5 गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स या नई एल्गोरिदम्स के बारे में। सो आज हम 5 मेजर अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पांडा, नंबर 2 पेंगुइन, नंबर 3 पेज लेआउट, नंबर 4 हमिंगबर्ड और नंबर 5 रैंक ब्रेन। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं चिड़ियाघर का कैटलॉग पढ़ रहा हूँ, बट ये सारी गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स हैं। शुरू करते हैं पांडा से। पांडा एल्गोरिदम को थिन कंटेंट वाली वेबसाइट से निपटने के लिए 2011 में लॉन्च किया गया था। उस वक्त एक कॉमन ट्रेंड था कंटेंट फार्म्स को यूज़ करने का। आर्टिकल स्पिनर टूल्स और वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स उन्हीं वेबसाइट्स और फोरम्स पर बेचे जाते थे, लाइक JVZoo और वॉरियर फोरम, जिनका नाम लेकर आजकल यूट्यूब पर करोड़पति एफिलिएट्स ऐसे लेते हैं जैसे इलॉन मस्क को मार्स के बारे में पता चल गया हो। कंटेंट फार्म्स और आर्टिकल स्पिनर्स किसी एक कंटेंट पीस को लेकर उसके वर्ड्स को सिनोनिम्स के साथ रिप्लेस करके गार्बेज कंटेंट बना देते थे जिसमें कीवर्ड को बेकार में ठूसा जाता था। ये लो क्वालिटी कंटेंट यूजर के पढ़ने के लिए नहीं होता था बल्कि सर्च रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया जाता था। पांडा अपडेट ने ऐसी वेबसाइट्स की रैंक को कम कर दिया जो स्पैमी, कॉपीड, लो क्वालिटी और ये स्पिन किया हुआ कंटेंट यूज कर रही थी, और वही वेबसाइट्स इन पनिशमेंट से बाहर निकल पाई जिन्होंने लो क्वालिटी कंटेंट को हटाकर अच्छा कंटेंट पोस्ट किया। लेकिन पांडा अपडेट कोई एक वन टाइम एक्शन नहीं था बल्कि बाद में इसे मेन गूगल एल्गोरिदम का पार्ट बना दिया गया। सो अगर आज भी अगर आप की वेबसाइट जो है वो कॉपी किया हुआ लो क्वालिटी और स्पैमी कंटेंट पोस्ट करती है तो पांडा एल्गोरिदम अपडेट का पनिशमेंट झेलना पड़ता है। जब आप कोई भी ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसमें वही कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है जो बाकी 10-12 हज़ार वेबसाइट्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वो रैंक नहीं करता है, और समझ जाइए कि आपकी वेबसाइट्स को पांडा ने पकड़ के बिठा लिया है। लोगों की जो केस स्टडीज होती हैं उनके झांसे में मत आइए। जिन्हें छुट्टी का एप्लीकेशन नहीं लिखना आता है वो भी आजकल केस स्टडीज पोस्ट करते घूमते हैं यूट्यूब पर, ऐसे लोगों से बचिए। नंबर 2 दूसरी अपडेट है पेंगुइन। पेंगुइन अपडेट लॉन्च की गई थी 2012 में। पेंगुइन अपडेट से गूगल ने खराब, स्पैमी और इररिलेवेंट ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट वाली बैकलिंक्स को यूज कर रही वेबसाइट्स की रैंक को डाउन कर दिया था। पांडा अपडेट के जरिए गूगल ने स्पैमी कंटेंट को हैंडल किया था, लेकिन सर्च रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के दो पार्ट होते हैं, स्पैमी कंटेंट और स्पैमी बैकलिंक्स। सो पेंगुइन अपडेट ने इन स्पैमी बैकलिंक्स को ठिकाने लगाया। पेंगुइन अपडेट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ किसी खास टाइप की बैकलिंक्स को पहचानना और उनका यूज़ कर रही वेबसाइट्स को पनिश करना नहीं था बल्कि बैकलिंक्स की क्वालिटी को बढ़ाना और उनके असर को कम करना था। पेंगुइन अपडेट से पहले बैकलिंक्स का किसी वेबसाइट की रैंक में काफ़ी बड़ा हाथ हुआ करता था। लोग PBN बनाते थे, लिंक पिरामिड स्कीम्स सर्विसेज बेची जाती थी। जो लोग अपने खुद के PBN नहीं बना पाते थे या मेंटेन नहीं कर पाते थे वो दूसरों से लिंक्स परचेज करते थे। पेंगुइन अपडेट के बाद इन लिंक्स को यूज़ कर रही वेबसाइट की रैंक को डाउन कर दिया गया और साथ ही बैकलिंक्स के वेट को भी रैंकिंग में कम कर दिया गया। पेंगुइन अपडेट के करीब 4 अपग्रेड्स भी लॉन्च किए गए और 2016 में ये अपडेट कोर एल्गोरिदम का पार्ट बन गई। आज की डेट में गूगल बैकलिंक्स के नंबर से उतना इंप्रेस नहीं होता है जितना उसकी क्वालिटी से इंप्रेस होता है। लिंक देने वाली वेबसाइट का प्रोफाइल कैसा है, लिंक की पोजीशन क्या है, दोनों वेबसाइट्स के बीच में रेलेवेंसी है या नहीं है, एंकर टेक्स्ट कितना रेलेवेंट है, ये सब बैकलिंक की क्वालिटी पर असर डालता है। नाउ पेंगुइन अपडेट 2012 में लॉन्च की गई थी और 2016 में कोर एल्गोरिदम का पार्ट बन गई, फिर भी 2021 में लोग राउटर की वेबसाइट पर ब्लॉग्स के लिंक क्यों बना रहे हैं। इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो बंदे का कैलेंडर अभी भी 2012 पर सेट है या पेंगुइन जैसी किसी भी जीव या एल्गोरिदम, दोनों के बारे में उसे जीरो इन्फॉर्मेशन है। नंबर 3 है पेज लेआउट एल्गोरिदम। 2012 में ये पेज लेआउट एल्गोरिदम लॉन्च की गई थी। इसके जरिए गूगल ने ऐसी वेबसाइट्स की रैंक को कम कर दिया जिनके अबव द फोल्ड पार्ट में बहुत ज़्यादा एड्स थे या यूजफुल कंटेंट नहीं था। जब भी कोई वेबसाइट किसी डिवाइस पर लोड होती है तो जो पार्ट स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई देता है उसे कहते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। एक पेज काफ़ी लंबा हो सकता है लेकिन वो एक साथ स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता है, टॉप पार्ट सबसे पहले विजिबल होता है और यही वो पार्ट होता है जिसे अबव द फोल्ड कहा जाता है। ये फोल्ड इमेजिनरी होता है, हर डिवाइस का स्क्रीन का जो साइज़ है वो अलग होता है, ऐसे में आप फिक्स नहीं बता सकते हैं
कि पर्टिकुलरली किस लाइन से या किस पार्ट से ऊपर का पार्ट अबव द फोल्ड में जाएगा, बट एक जनरल आइडिया जरूर आपको लग जाता है। अगर आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग डिवाइसेस पर चेक करते हैं तो आपको एक अबव द फोल्ड पार्ट के बारे में जनरल आइडिया लग जाता है। यहाँ एक बात खास तौर पर जरूर ध्यान देने लायक है कि अधिकतर डिवाइसेज मोबाइल बॉट से क्रॉल हो रही, स्मार्टफोन बॉट से क्रॉल हो रही, तो आपकी वेबसाइट का स्मार्टफोन वर्जन ही इस अबव द फोल्ड कंटेंट को जज करने में यूज किया जा सकता है। अधिकतर साइट्स में टॉप पार्ट में स्लाइड शो या फिर हीरो सेक्शन को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल नहीं होता है। स्लाइड शोज को अधिकतर लोग एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं, और ये खराब पेज लेआउट का एकदम सही एग्जांपल है। सो अबव द फोल्ड पार्ट में यूजफुल कंटेंट रखिए, ऐसा कंटेंट रखिए जो उस पेज के पर्पस को फुलफिल करता हो, यूजर को एक्शनेबल इंफॉर्मेशन देता हो और जिसमें कम एड्स हो। नंबर 4 फोर्थ अपडेट है हमिंगबर्ड। ये 2013 में लॉन्च की गई थी। ये अपडेट कंटेंट में कीवर्ड स्टफिंग रोकने और कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए लॉन्च की गई थी। हमिंगबर्ड गूगल सर्च इंजन में हुआ एक बड़ा चेंज था जिसने सर्च रिजल्ट्स की क्वालिटी और स्पीड दोनों को इंप्रूव किया, हेंस द नेम हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड अपडेट के जरिए गूगल ने किसी पेज में किसी खास कीवर्ड के होने या कितनी बार होने के इफेक्ट को कम कर दिया, और ऐसे पेजेस भी किसी खास कीवर्ड के लिए रैंक होने लगे जो मे बी उस पेज में ना यूज हुए हों लेकिन रिजल्ट यूजफुल है। एक जो टर्म है ओवर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड पेज, उसके इफेक्ट को कम किया गया। कीवर्ड डेंसिटी नाम की जो अफवाह पहले काफी चलती थी, इनफैक्ट अभी भी काफी सारे लोग कीवर्ड डेंसिटी पर काफी भरोसा करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उसको हमिंगबर्ड ने अपडेट ने बिल्कुल हटा दिया। हमिंगबर्ड अपडेट के बाद सर्च यूजर की इंटेंट इंपॉर्टेंट होने लगी। अब अगर किसी एक पेज में कोई कीवर्ड बार बार रिपीट नहीं किया जा रहा है तो भी वो पेज उस कीवर्ड के लिए रैंक कर सकता है अगर कंटेंट यूजफुल है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट के कंटेंट को प्लान करते वक्त कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा फोकस करते हैं और कीवर्ड रिसर्च को पुराने तरीके से करते हैं जिसमें इंटेंट पर फोकस नहीं किया जा रहा है, तो आपकी साइट हमिंगबर्ड अपडेट का नुकसान झेल सकती है। नंबर 5 है अपडेट रैंकब्रेन। रैंकब्रेन 2015 में लॉन्च हुई गूगल एल्गोरिदम अपडेट थी। रैंकब्रेन गूगल को उन क्वेरीज को समझने में हेल्प करती है जो पहले नहीं की गई थी। ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो ऑलरेडी मौजूद डाटा के बेस पर सिस्टम को ये समझने में हेल्प करता है कि जो एक खास यूनिक सर्च क्वेरी है जो पहले कभी भी नहीं की गई है उसका मीनिंग क्या है और एक्चुअली में उसका इंटेंट क्या है। रैंकब्रेन गूगल के सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल्स में से एक है। रैंकब्रेन के वर्किंग पैटर्न को गूगल ने कभी पब्लिक नहीं बताया है, लेकिन गूगल पर की जा रही करीब 15% क्वेरीज यूनिक होती हैं और इन्हें समझने में रैंक ब्रेन गूगल सर्च इंजन की हेल्प करता है। सो यू कैन गेस हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। सो ये थी वो 5 अपडेट्स या एल्गोरिदम्स जो गूगल सर्च इंजन में ओवर द टाइम लॉन्च की गई और जो एसईओस के वर्कफ्लो को काफी इंपॉर्टेंट तरीके से इफेक्ट करती हैं। काफी सारे चालू कोर्सेज या वीडियोज में इन एल्गोरिदम्स या अपडेट से एकदम अपोजिट एडवाइस देकर आपकी साइट के एसईओ को खराब किया जाता है। इनसे बचने की जरूरत है, दूर भागने की जरूरत है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net. And I will see you next time. Take care.